तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ध्यान को भंग करने की? मैं तो आपको शाबाशी देने आया था। देखिए ना, आप इतना काम करती है, कोई दो मिनट बोल नहीं बोलता आपके लिए। अरे छोड़ दीजिए, मेरा गला छोड़ दीजिए। अब ये गला छोड़ूंगी नहीं, काट के रख दूंगी। अरे कमर टूट गई, पर गर्दन तो सलामत है। माफ कीजिएगा कालपुरी, माफ कीजिएगा। अब मैं आगे से है। कोई बात नहीं, वैसे भी माफ करने वाला सजा देने वाले से बड़ा होता है। है? अभी अभी गला काटने की बात कर रही थी, अचानक अच्छा है कि देवी कैसे बन गई। इससे पहले इसका दिमाग फिर से बदल जाए, भाग ले तुम्हारा तो भाग। क्या हो गया था मुझे, अचानक से इतनी अच्छाई कैसे आ गई थी दिल में? शौर्य, तिमनासा पृथ्वी पर है और अब तो विवान के स्कूल तक पहुंच गई है। मुझे लगता है अब हमें बालवीर को बता देना चाहिए। नहीं पानी परी, बालवीर परिक्रमा बीच में नहीं छोड़ सकता, और जब तक 7 दिनों की परिक्रमा पूरी नहीं होती मैं भी यहां से नहीं हट सकता। विवान पर नजर रखो और पता लगाओ कि काल लोक की शक्तियां किस मकसद से पहुंची हैं नीचे। ठीक है शौर्य। ओए कैंटीन वाले, आइसक्रीम ठंडी है ना? ठंडी इसलिए तो आइसक्रीम है। ओए ज्यादा स्मार्ट मत बन। चल जल्दी बता, 0, 1, 2, 3 कितना होता है? 0, 1, 2, 3 बहुत खूब, बहुत जल्द ये बच्चे बुराई के रास्ते पर इतने आगे निकल जाएंगे कि इनका वापस आना नामुमकिन होगा। नन्ही उंगली की कसम, इस शैतान मंडली देखकर तो आंखों में वो आ रहा है खुशी के। कलोरा यंत्र की शक्तियां वापस मेरे पास आ गई हैं। अब देखती हूँ कि विमान मुझसे कैसे बचेगा। ए चिंटू, चल हट यहाँ से, ये मेरी जगह है। ये तेरी जगह कैसे हो गई गोपू? ए चिंटू, जहाँ मैं खड़ा हूँ ना उससे 10 कदम आगे और पीछे सिर्फ मेरी जगह है। अच्छा? हाँ, ले मैं तेरी जगह पे और 2 कदम अंदर आ गई, क्या कर लेगा? ए गोपू, घूर क्या रहा है? यो ए, मेरे जूते खराब कर दिए तुम लोगों ने। तेरे जूते तो पहले से ही खराब थे, तेरी शक्ल की तरह। घूर क्या रहा है, कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पे। क्या हो गया इन सबको, बेवजह की बात पर क्यों लड़ाई कर रहे हैं ये सब? अरे रुको रुको, बस करो, दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? बंद करो लड़ना, तुम्हारे पीछे मत आना। विवान,
ही हो क्या रहा है? प्रिंसिपल मैम इन्हें रोक क्यों नहीं रही? मैम नहीं रोक रही तो क्या हुआ? तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ जरूर कोई परी थी। आज का दिन बहुत गड़बड़ घोटाला था। प्रिंसिपल मैडम उल्टी सुल्टी बातें सिखा रही थी। स्टूडेंट्स बेवजह की बातों पर लड़ रहे थे। वायु परी मुझे अचानक कर लिया है। क्यों? खुशी, बेटा छेड़ा की दुकान से दही ले आएगी। मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। अब घर का सारा काम मुझसे क्यों कराते हो? क्या कहा तूने? वो दीदी भी होमवर्क करिए ना, तो दही मैं लेकर रहता हूँ। नहीं, मैंने कहा कि मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। ये तो कैसी बातें कर रही है खुशी? अब मैं ऐसे ही बोलूंगी। अगर आपको बुरा लगता है या गुस्सा आते तो अपने सिर पे पानी डाल लो। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, लेकिन वो सुबह मुझे क्यों नहला रहे हो? मैं तो सुबह नहा चुका हूँ। और ये जग मुझ पे किसने फेंका? वो मैंने फेंका। और अब नॉनस्टॉप इतना मत बोला कीजिए, सिर दुखता है मेरा। आपसे एक सवाल पूछो 20 जवाब देते हो। खुशी आज इतना नाखुश क्यों है? दादाजी मेरे यकीन मानिए, दीदी जरूर प्रैंक कर रही होगी। अभी वो वापस लौट के रहेगी और फिर हम सब मिलकर रहेंगी। जा बेटा तौलिया लेकर आ। कुछ तो बड़ी गड़बड़ है, मुझे फॉरेन पार्टनर को बताना होगा। और खुशी ने तो सिर्फ जगह ही नहीं, खाना भी फेंक दिया। क्या पता है? माजी सूची, मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला कि बेटा पानी की बर्बादी नहीं करते, तो उसने पानी की टाकी तोड़ दी। हाँ? अरे करुणा जी, हम क्या बताएं? हमारे चिंटू चिंटी हमारे दुबई से लाए हुए सारे गहने चोरी करने लगे, और जब हमने डांट लगाई तो कहने लगे घर छोड़ के चले जाएंगे, बताइए। और मेरे गोपू ने क्या किया पता है? गोपू ने तो अपने पप्पा की मनपसंद लाल कमीज को ही जला डाला। बोलो। अरे लेकिन बोलो नहीं सुनो, सवाल ये उठता है कि सारे के सारे बच्चे इतनी बदमाशी क्यों कर रहे हैं? हाँ। कहीं ये लोग किसी बुरी संगत में तो नहीं पड़ गए? पर करुणा जी, हमारे बच्चे तो भारत नगर के सारे बाकी बच्चों के साथ खेलते हैं, और बाहर से तो एक भी बच्चा नहीं आया, तो फिर बुरी संगत कहाँ से आई? नक्की नक्की हमारे बच्चे ये बुरी से कहीं बाहर से लेकर आए हैं। हाँ नहीं नहीं, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, चाहे कितनी भी बुरी सीख क्यों ना ले आए हमारे बच्चे बाहर से, हम अपने बच्चों को अपने प्यार से सही रास्ते पर ले ही आएंगे। ये तो शहर के हर स्कूल हर मोहल्ले में हो रहा है, ये सारे बच्चे अचानक से इतने बदतमीज क्यों गए? ये जरूर उस तिमनासा की चाल है, वही इन बच्चों को गलत रास्ते पर भटका रही है। पर कैसे? हमें तिमनासा को जल्द से जल्द ढूंढकर रोकना चाहिए। तुम सही कह रही हो वाई परी, लेकिन उससे पहले हमें विवान को महफूज रखना होगा, क्योंकि तिमनासा जो कुछ भी करती है वो बालवीर को हराने के लिए करती है। चलो परियो। हाँ चलो। मैंने कोई गलती की क्या? आखिर हो क्या गया आपको? आपने मम्मी को अभी तक सॉरी भी नहीं बोला। इतनी शरारत तो मैंने पूरे साल में नहीं की, जितनी भयंकर बात अपने एक दिन में बोल डाली है। विवान सिर मत खा, दांत तोड़ दूंगी।
तुम्हें बुराई के रास्ते पर नहीं ला पाई तो क्या, बुराई का रास्ता खुद चलकर तुम्हारे घर आ गया है विवान। जरूर इन परियों ने अपना कवच लगाया होगा। बस थोड़ी देर और, फिर कलोरा यंत्र की सारी काली शक्तियां विमान के अंदर होंगी और उसकी अच्छाई की कभी सुबह नहीं हो पाएगी, सिर्फ बुराई की काली रात होगी। तुम विवान पर इतनी आसानी से हमला कर सकती हो? विवान को जो चोट पहुंचाने का इरादा है ना तुम्हारा, उस इरादे पर हम पानी फेर देंगे। तुम जिस काल लोक से आई हो ना, उसी जगह पर तुम्हें तिनके की तरह उड़ाकर वापस भेज देंगे। मान लो तिम्नासा, तुम हम चारों का एक साथ सामना नहीं कर सकती। तुम होंगी सारी परियां वीर लोक से, लेकिन मेरे सामने तुम लोगों की औकात सिर्फ छोटी छोटी तितलियों की तरह है, रंग बिरंगी तितलियां जिन्हें अब मैं मसल के फेंकूंगी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ गई तिम्नासा? वो लौट कर आए, उससे पहले हमें विवान को वीर लोक ले जाना होगा। हाँ हाँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। सपने में भी वीर लोग के दिखाई दे रहे। विवान, ये सपना नहीं है। मस्ती भरी आप? अरे यार, मेरे सपने में भी भीजा कर रही हूँ। अब सपने में कौन सी शरारत करूंगा मैं? ये सपना नहीं है विवान। शेर सर, एक मिनट नीचे उतारो। शेर सर, आप है तो ये सपना हो ही नहीं सकता। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, आप लोग थोड़ा टेंशन में दिख रहे हैं। पर मुझे नींद में से उठाकर यहाँ क्यों लाया गया? कहीं मैंने सपने में कोई शरारत तो नहीं कर दी ना? शौर्य, अब हमें लगता है इसे सब कुछ बता देना चाहिए। क्या बता देना चाहिए? एक मिनट, अगर आप लोग मेरी फिर से कोई परीक्षा लेने वाले हो तो आप लोगों को मुझे थोड़ा टाइम देना होगा।
क्योंकि हमारे स्कूल में जो नई प्रिंसिपल मैम आई है ना, उन्होंने सब स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स लाने के लिए कहा है। विवान, वो प्रिंसिपल नहीं, कोई और है। कोई और मतलब कौन है? कालोक की भैरानी तिम्नासा। कालोक? ये कौन सी जगह है? ये है कालोक, और वहां की रानी तिम्नासा और उसके सिपाही। इसका मतलब वो छोटे हेड वाले अंकल और वो लंबे वाले डरावने अंकल और वो बिना माल वाले अंकल, वो सब कालोक से हैं। और जो हमारी नई प्रिंसिपल है वो दरअसल में तिम्नासा है, कालोक की बहरानी। कालपरी तिम्नासा, तुमने अपनी शक्तियों से मेरी बहुत मदद की है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तुम्हें। काललोक की सेवा करना मेरा फर्ज है। सेवा तो ठीक है कालपरी, लेकिन तुम्हारी दी हुई शक्ति उससे मेरा काम नहीं बन पाया। जो काम पूरा होना था वो भी नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्तियाँ बढ़ाओ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी शक्तियों का कतरा कतरा लगा दोगी मेरी मदद करने के लिए। उसी विश्वास के लिए मैं अपनी बाहें फैलाकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। महारानी, इस कालपरी के दिमाग में कुछ अगड़म बगड़म हो गया है। ये पल में शोला और पल में शबनम जैसी हरकत कर रही है। इसने मेरी गर्दन पर चाकू लगाया था, चाकू। अवतार, मुझसे बच के रहना तौबा तौबा, वरना इस बार तो वो चाकू आर पार हो जाएगा। इसकी बात का बुरा मत मानना काल पर, बड़ बोला है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्तियों से पता लगाओ कि इस वक्त वीरलोक में क्या चल रहा है। वीरलोक में सब लोग हैं, परियां, शौर्य, विवान, लेकिन ये बालवीर कहाँ है? ये बालवीर वीरलोक की वो क्यों कर रहा है? परिक्रमा? अब बालवीर क्यों ये परिक्रमा कर रहा है? क्या है उसकी अगली चाल? अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ गया है। लेकिन शौर्य, सवाल ये उठता है कि तिम्नासा की शक्तियां पृथ्वी पर काम कैसे कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी के चारों तरफ बालवीर का सुरक्षा कवच उन लोगों ने तोड़ दिया हो? नहीं मस्ती परी, सुरक्षा कवच अभी भी लगा हुआ है। तिम्नासा को ये शक्तियां बालपरी से मिल रही हैं। इसका मतलब अगर हमने कलोरा यंत्र को नष्ट कर दिया
तो तिमनासा पृथ्वी पर बच्चों को बुरी राह पर नहीं ले जा सकती। इसमें फिक्र करने की क्या बात है शेर सर, जैसा कि आपने बताया कि पार्टनर 7 दिनों तक परिक्रमा में बिजी है। तब तक मैं जाकर उस कलोरा यंत्र को बर्बाद कर देता हूँ ना। शेर सर, जैसा कि आपने बताया कि पार्टनर 7 दिनों तक परिक्रमा में बिजी है, तब तक मैं जाकर उस कलोरा यंत्र को बर्बाद कर देता हूँ ना। विवान, कलोरा यंत्र? हाँ वही वही कलोरा यंत्र। अब जैसे ही वो यंत्र टूटेगा, उस डमरू केतु से शक्तियाँ निकलना भी बंद हो जाएगी ना। विवान, धूम्र केतु? अरे डमरू केतु है या धूम्र केतु, बात तो एक है ना। अभी चलो चलो बढ़िया, काम खत्म करते हैं। नहीं विवान, तुम इस काम के लिए अभी तैयार नहीं हो। ये काम तो परियों के लिए भी आसान नहीं होगा। तो फिर मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम अभी पृथ्वी लोक वापस जाओ, वहाँ तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तिमनासा की काली शक्ति का असर तुम्हारी बहन खुशी पर भी हुआ है। तुम ये यात्रा यंत्र अपने पास रखो, जब भी तुम्हारे ऊपर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इस यंत्र के इस्तेमाल से तुम वापस भी लोक आ सकते हो। और कहाँ कहाँ यात्रा कर सकता हूँ मैं इस यात्रा यंत्र की मदद से? इस यंत्र से तुम पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी पहुंच सकते हो। वाह, ये तो एकदम ट्रैवल पास के जैसा है, जहाँ जाए वहाँ पहुँच जाओ। हाँ विवान, वैसा ही कुछ। पर इस यंत्र का इस्तेमाल बहुत जरूरत पड़े तभी करना विवान। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे घर के ऊपर हम एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच लगाने वाले हैं, ताकि तिमनासा अंदर ना आ सके। पर अभी तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम आज पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकलोगे। आओ वादा करो। बालवीर वीरलोक की परिक्रमा कर रहा है अपनी माँ को वापस लेके जाने के लिए, और इसलिए वो अच्छाई की तरफ खिंच रही है। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना भैमार, ये बालवीर अपनी माँ के लिए परिक्रमा कर रहा है, इसका मतलब पृथ्वी इस वक्त सुरक्षित नहीं है, या उसकी सुरक्षा के लिए छोटा बालवीर है तो उसका उत्तराधिकारी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जब भी तुम्हारे ऊपर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इस यंत्र के इस्तेमाल से तुम वापस पीट लोक आ सकते हो। विवान, विवान, उठ बेटा, सुबह हो गई है, अरे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। विवान उठ ना, जल्दी कर। खुशी, खुशी उठ बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मुझे नहीं आना स्कूल। किस बात से इतना नाराज है तू खुशी? पहले तो कभी तूने ऐसा नहीं किया मेरे साथ। मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, जीतना। फिर चाहे उसके लिए हमें अच्छाई का रास्ता चुनना पड़े या फिर बुराई का। मम्मी, मम्मी आप चिंता मत करो, दीदी जिस वजह से भी ये बर्ताव कर रही है ना, उस वजह को मैं दूर कर दूंगा। मैं हूं ना मम्मी, दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी। बोलो नहीं सुनो, है तो तू घर में सबसे छोटा, पर बातें बड़ी बड़ी कर रहे, पर अच्छा लग रहा। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, वरना लेट हो जाएगा। सिर्फ बातें नहीं कर रहे हो मम्मी,
उस काल लोक की बहरानी की तो खैर नहीं। अब उसने मेरी दीदी और मेरी दोस्तों का ये हाल किया, इसका जवाब तो उस बहरानी को जरूर मिलेगा। माँ बाप कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और फिर माँ बाप ही रोकते हैं बच्चों को उनके मन की चीजें करने से, है ना? तो ये तो गलत बात हुई ना। अब बच्चों का जो मन करता है उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो तो मन के अच्छे होते हैं। अब से तुम लोगों का जो भी मन आए वो करना, चाहे वो सही हो या गलत, अच्छा हो या बुरा हो, जो मन में आए सब करना, लेकिन मन को मत मारना। प्रिंसिपल मिस, मुझे उस प्रोजेक्ट को तोड़ने का मन कर रहा है, क्या मैं तोड़ दूं? बहुत जल्द दुनिया के हर बच्चे के दिल में छुपे इस शैतान को बाहर निकालना है मुझे, लेकिन मेरा सबसे जरूरी शिकार छोटा बालवीर है कहाँ? तो ये है कालोक की बहरानी, आज इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरा इस पर यहाँ हमला करना ठीक नहीं होगा, परियां कभी भी आकर रोड़ा डाल सकती हैं, इसलिए इसको ऐसी जगह लेकर जाना होगा जहां कालपरी की शक्तियों की भी जरूरत ना पड़े मुझे। अरे विवान, आज तुम्हारी बहन नजर नहीं आई। खुशी, कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस कर दिया उसने मेरा। लेक्चर तो मैं तुम्हें दूंगा कि मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों पर नजर उठाने का क्या नतीजा होता है। दिमनासा, तो आखिरकार तुम मुझे पहचान ही गए कि मैं दिमनासा हूं। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि दिमनासा से टकराने का अंजाम क्या है। तो तुम्हें भी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि मैं बालवीर हूँ, पर मेरा काम ही है तुम जैसी बुरी ताकत का दी एंड करना। ऐसा मत करना विवान, मुझे डर लग रहा है। ये देखो, मैं भूल गई थी कि तुम शक्तिशाली हो। मैं भी कैसी बातें करती हूँ, मैं तुमसे नहीं टकरा सकती। मुझे पता है तुम्हें बालवीर ने शिक्षा दी है। ये सोच रहे थे कि मैं ऐसा बोलूंगी? कहा ना मैंने तुमसे कि अभी तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझसे टकराने की। इतना छोटा सा शरीर कैसे लड़ोगे दिमनासा से? तुम्हारी बहन और बाकी बच्चों के ऊपर जो मैंने बुराई का जादू किया है उसका दी एंड कैसे करूं? तुम्हें वापस कालोक भेजकर दुनिया हो दिमनासा से मुक्त, वो चाहिए लोग। कुछ भी नहीं हुआ, वापस ट्राई करो। चलो दुनिया हो दिमनासा से मुक्त, हो जाइए लुप्त। मुझे लुप्त गुप्त करके क्या करोगे दुबारा? वो छोटे छोटे प्यारे से भोले से बच्चे, तुम्हारी बहन खुशी, उनके ऊपर जो मैंने बुरी शक्ति का जादू किया है उन्हें कैसे बचाओगे? उस बुरी शक्ति का केंद्र बिंदु तो काललोक में है, मेरा बनाया हुआ कलोरा यंत्र, जिसकी ऊर्जा से उन बच्चों पर वो बुरी शक्ति गई है। और उस यंत्र की शक्ति को खत्म करने के लिए तो तुम्हें काल लोक आना होगा ना।
है हिम्मत कर लो जाने की या डर गए? अगर डर गए तो फिर इन मासूम बच्चों को कैसे बचाओगे? बालवीर ने क्या तुम्हें यही सीख दी है? तो बालवीर की इस सीख पे मैं तुम्हें देती हूं 100 में से 0। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरी उंगली पकड़ कर काल लोक चल सकते हो। मैं तुम्हें संभाल कर लेकर जाऊंगी काल लोक। पकड़ो। ठीक निशाने पर लगा है मेरा तीर। जब अपने मन को पूरी तरह से शांत करना सीख जाओगे वो पोशाक खुद ब खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। बालवीर के रूप में तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई की हार और अच्छाई की जीत। बालवीर और शेर सर ने मुझे कहा था कि बुराई से लड़ना मेरा काम है और आज मैं वही काम पूरा करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ भगवान की ये काम इजी नहीं है, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। भगवान मुझे शक्ति दो, भगवान शक्ति दो, इस दुनिया को बचाने की शक्ति दो, शक्ति दो भगवान, शक्ति दो उस नकली प्रिंसिपल दिमनासा को सबक सिखाने के लिए। मुझे गर्लोक जाना होगा, इसलिए मुझ तक बालवीर की पोशाक पहुँचा दो भगवान। प्लीज मुझ तक पहुँचा दो बालवीर की पोशाक, प्लीज। लोग जाना होगा भगवान, प्लीज मुझे शक्ति दो, प्लीज बालवीर की पोशाक मुझ तक पहुंचा दो भगवान, प्लीज। शेर सर ने मुझे कहा था कि इसका इस्तेमाल करके मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच सकता हूं। तो फिर यात्रा यंत्र मुझे कल लोक में उस जगह ले चलो जहां धूम्रकेतु की शक्ति कलोरा यंत्र में पहुंच रही है। विमान कलोरा यंत्र को नष्ट करने काल लोक जा रहा है। लेकिन वो तिमनासा और बालपरी का अकेले सामना कैसे करेगा? शौर्य, हमें किसी भी कीमत पर उसे रोकना होगा। अब उसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो काल लोक पहुंच चुका है। कबाड़ी का गोदाम लग रहा है। वैसे नाम ही काल लोक कैसे कहा? तो यहाँ पर फूल के गार्डन तो हो ही नहीं सकते वीर लोक की जैसे। हे कहाँ कलोरा यंत्र, इन काल लोक वालों को थोड़ा वीर लोक वालों की वीरता का स्वाद चखाया जाए। विवान अकेले ही काल लोक पहुँच गया।
वक्त उसकी जान को बेहद खतरा है। शौर्य, अब क्या करेंगे हम? मुझे बालवीर से बात करनी होगी। आगे क्या करना है इसका फैसला बालवीर ही कर सकता है। हैरानी की हंसी कितनी भयानक है, और आपकी हंसी तो ऐसे है जैसे आपको कोई जबरदस्ती गुदगुदी कर रहा हो। ऐसा मैं नहीं बोला। अभी तक ठीक से उड़ना सीखा भी नहीं उस चूजे ने, और गिद्ध से लड़ने की उड़ान भर रहा है। कालोरा यंत्र, लेकिन तिमना सा ने यहाँ किसी को भी पहरा देने के लिए नहीं रखा। तो उसने सोचा होगा कि यहाँ काल लोग में जूनियर बालवीर तो आ ही नहीं सकता, और यही तिमना सा ने कर दी गलती। अब इस कालोरा यंत्र को ऐसा गायब करूंगा कि काल लोग वाले ढूंढते रह जाएंगे। देखो तो कितना होनहार बच्चा है। ये कलोरा यंत्र बाद में तोड़ लेना, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले आकर बड़ों को आशीर्वाद तो लो। मेरे लिए मेरी मम्मी का आशीर्वाद ही काफी है। नकली प्रिंसिपल मैम, वैसे मैं यहाँ आशीर्वाद लेने नहीं, आप सबकी फिरकी लेने आया हूँ। अच्छा, और वो कैसे करोगे तुम? क्यों गायब किया? हरानी, नन्ही उंगली कसम, ये तो हो गया। लुक, जो तुम भी होने वाले हो। कुछ तो बात है इस बच्चे में। कुछ बात नहीं, बहुत कुछ बात है मुझ में। क्या हुआ छोटे, तारीफ हजम नहीं हुई? तारीफ भी हजम हुई, और तुम भी आजम हो गए। वाह, क्या बात, तुमने जो काम किया है उसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। अच्छा, अब तुमने इन सबको तो गायब कर दिया, पर मैं तो यही खड़ी हूँ, मुझे भी गायब करके दिखाओ। चलो बजाओ चुटकी। लेकिन शौर्य, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बालवीर की परिक्रमा को भंग किए बिना ही उसे बता दे कि यहाँ क्या चल रहा है? बता सकते हैं मस्ती परी, क्या बात है शौर्य, आपने मेरी अंतरात्मा को क्यों बुलाया? क्योंकि तुम्हारी परिक्रमा को तोड़े बिना हमें एक बात बतानी थी तुम्हें। बालवीर, द
दरअसल विवान हम में से किसी को भी बिना बताए काल लोक चला गया है तिमनासा से लड़ने और उस कलोरा यंत्र को नष्ट करने। हाँ बालवीर, तिमनासा ने कलोरा यंत्र की शक्ति से पृथ्वी के सारे बच्चों को बुराई के राह में धकेलने की योजना बनाई हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है बालवीर कि तिमनासा की शक्तियाँ पृथ्वी पर भी काम कर रही है। इतना सब कुछ हो गया और आप सब मुझे अब बता रही है। तुम्हारी परिक्रमा अपने अंतिम पड़ाव पर है, बाल परी के लिए तुम्हारा तप पूरा होना जरूरी है। लेकिन पृथ्वी के सारे बच्चे और विवान की सुरक्षा, इसीलिए मैंने तुम्हारी अंतरात्मा को आवाज लगाई है बालवीर, ताकि तुम फैसला कर सको कि आगे क्या करना है। चकनाचूर हो इश्क की आशा, गायब हो तमनासा। चकनाचूर हो इसकी आशा, मतलब कब तो तिमनासा। अरे ये क्या, तुम्हारा जादू तो मुझसे काम ही नहीं कर पा रहा। अरे अरे रोना मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख पाऊंगी। तिमनासा इतनी भी बुरी नहीं है, चलो वापस कोशिश करो एक बार फिर से। चलो बजाओ चुटकी। बिगड़े इनकी बुरी शक्ल, ऊंचा इन पर चल चल। कहाँ हो पार्टनर, अब मैं क्या करूं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.